नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडे। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं और 7 मई की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार गुजरात में नरेंद्र मोदी की हालत खराब है। क्यों है खराब, क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात में लोकसभा चुनाव एक ही चरण में है और वो है तीसरे चरण में 7 मई को। बीजेपी की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात को पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जनता का समर्थन खूब मिला। इसी के चलते बीजेपी यहां 2014 और 2019 में सभी 26 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बार बीजेपी ने चुनाव से पहले ही एक सीट सूरत निर्विरोध जीत ली और वो अलग बात है कि इसकी आलोचना भी लगातार चल रही है कि अपनी ताकत के बल पर गलत तरीके से बीजेपी ने चुनाव जीता। लेकिन क्या तीसरी बार फिर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी? सर्वे और मीडिया एजेंसियों की माने तो इस बार गुजरात मोदी शाह को झटका देने के लिए तैयार है। हम झटके की बात करें उससे पहले बता देते हैं कि गुजरात में बीजेपी की बोहनी ही खराब हो गई और नितिन पटेल जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। फिर तो धड़ाधड़ कई उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया और ये देखकर बीजेपी को धक्का लगा है। साबरकांठा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने भीखाजी ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किया लेकिन उनका भारी विरोध हुआ जिसका नतीजा भीखाजी ठाकुर ने टिकट वापस कर दिया। इसी तरह बीजेपी ने वडोदरा लोकसभा सीट पर सांसद रंजन बेन भट्ट को उम्मीदवार घोषित किया था लेकिन इतना विरोध हुआ कि रंजन ने दुखी होकर नाम ही वापस ले लिया। इसके साथ ही साथ राजकोट के उम्मीदवार ने तो अपने बयान से ही आग लगा दी और अब तो कई राज्यों में इसकी लपटें भी दिखाई देने लगी हैं। देखना होगा कि 4 जून को क्या होता है। बस इन्हीं सब बातों को देखकर कहा जा रहा है कि इस बार गुजरात मोदी को आशीर्वाद देने वाला नहीं है। इतनी राजनीतिक घटनाएं होने के बाद गुजरात के राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये पहली बार है जब बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध देखा जा रहा है। अभी तक इस तरह का कल्चर कांग्रेस पार्टी में रहा है जहां टिकटों पर विरोध होते रहे हैं जबकि बीजेपी तो अनुशासित पार्टी मानी जाती थी। गुजरात बीजेपी में मोदी शाह के फैसले को सभी स्वीकार भी करते थे लेकिन गुजरात बीजेपी में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो काफी ज्यादा हैं और लग रहा है कि मोदी शाह की डोर कमजोर हो रही है। इससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई। 90 के दशक में इस तरह का वाक्य शंकर सिंह वाघेला के समय देखा गया था लेकिन उसके बाद अब हो रहा है। इससे कहा जा रहा है कि इस बार मोदी को कांग्रेस कई जख्म देने वाली है। टीवी सर्वे की माने गुजरात में कुल 26 सीटें, बीजेपी 20 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार मोदी की हालत खराब है और अपने घर में ही सीटें कम हो रही हैं। इसके साथ ही साथ देश का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी इस बार 200 से 220 सीटें पा सकती है और जब इतनी सीटें मिलेंगी तो नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सोच सकते हैं, देखना होगा कि आगे 4 जून को क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं।